अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो शॉपिंग व्लॉग है, डिफरेंट टाइप की शॉपिंग है, ग्रोसरी शॉपिंग है, उसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज चाहिए थी वो ली, सिस्टर के लिए बर्थडे थी उसका केक लिया, और दो तीन शॉप्स पे जा ड्रेस डिजाइन ड्रेस देखने थे वो लिए लिए नहीं लिए तो नहीं थे लेकिन देखे ही थे, डिज़ाइन वगैरह देखने थे वो देखे, काफ़ी वारा कर दी। इस वीडियो में अगर आपको मेरी वॉइस चेंज नज़र आई या कुछ भी तो उसके लिए माजरत है। हुआ है कुछ यूँ है कि मुझे ये मौसमी नज़ला, जुकाम, बुखार, ये सारी टाइप्स जो भी होती हैं वो सारी इकट्ठी होकर मुझ पे हमलावर हो गई थी और काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, गला भी हल्का ख़राब ही था, वीडियो भी वॉइस ओवर करनी थी फिर कर ही दी। शॉपिंग पे जाना वैसे लड़कियों का तो वैसे क्रेज़ होता है शॉपिंग का, ये वो मुझे भी काफ़ी पसंद है। ये नहीं होता कि इस तरह चीज़ें लूँ, और ये मुझे वारागर्दी का वैसे ही शौक है, जिसने कहा चले उसके साथ चल पड़े, जिसने कहा भाई ने कह दिया भाई के साथ, तो वैसे ही ऑलमोस्ट मैं तैयार ही रहती हूँ जहाँ भी वो कह दे जाने के लिए, और उसने एक बार कहा और मैं साथ चल पड़ती हूँ। ऐसे ही हम अक्सर कहा तो वारागर्दी करते ही पाए जाते हैं। मेरी फ्रेंड्स भी वैसे कहती रहती हैं तुम इतना फिरती हो इतना फिरती हो, क्या करूँ, और बंदा करे भी क्या, घर में रह के फिरना ही होता है, यही लाइफ है, बंदा चिल कर ले, 4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं, ऐसे घर में रह के ही क्या गुजार देनी। बाहर निकलता है बंदे को, एनवायरनमेंट का पता चलता है, लोगों से मामला, डीलिंग वगैरह जो कुछ भी सारा कुछ, अल्लाह ज़िंदगी दे सेहत दे मेरे भाई को जिसके थम से फिरती रहती हूँ, वो मुझे लेके फुल वारागर्दियाँ करता, खुद भी करता है और मुझे भी करवाता है। बाकी मैं तमाम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वो तमाम लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स भी कर देते हैं कुछ, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी, कोई बात नहीं, जो नहीं भी सपोर्ट करता मैं तब भी बनाती रहना है, शो का कोई कहते मोल नहीं होता, बस व्लॉगिंग का शौक़ है मुझे, मैं करते रहना है। इंशाल्लाह आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी जहाँ पे जी, शॉपिंग वगैरह दूसरी करने ग्रोसरी करने के बाद, इधर हल्का सा कोई गिफ्ट सेंटर छोटा सा बना हुआ था, मैंने कहा वो भी देख ही लेते हैं, भाई कहता आओ फिर वो भी ना नहीं करता होता, ले जाता है यहाँ पे जी। ये चीज़ें इतनी ख़ास तो नहीं थी, बस हल्की मोटी ही थी, वो देखी देख दू के फिर आ गया, भाई लेना तो कुछ था ही नहीं, भाई को कह दिया भाई ये रखे रखना बाद में आएंगे उनको भी पता ही होता है बाद में इन्होंने कहाँ आना है। ये कुछ शैम्पूस थे, लोशंस थे, और ये वो काफ़ी चीज़ें थी। शॉपिंग करने के बाद जी हम लोग आ गए बेकरी में, बेकरी में आने के बाद यहाँ से जी लेना था केक, छोटी सिस्टर की बर्थडे थी उसका केक लेना था, तो यहाँ से उसके लिए केक लिया, और ये थोड़ी सी उसके बाद
ब्रेक लेने के बाद यहाँ पे आ गया जी एक और शॉप पे, जहाँ पे जी काफ़ी टाइप की चीज़ें थी, लाइक ड्रेसेस थे बच्चों के, थे शर्ट्स थी और ज्वेलरी वगैरह और डेकोरेशन पीसेस, मतलब कि बंदे ने हर टाइप की ही चीज़ें रखी हुई थी। और मैं वीडियो बना रही, मज़े के बाद यहाँ पे ये थी कि मैं वीडियो बना रही थी, तो ये कहते कि आप ना वीडियो बना रही हैं, मैंने कहा हाँ जी मैं ना वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब के लिए। कहते अच्छा अच्छा सही है, आप मुझे ना अपना मेरी ये कार्ड ले लो और उन लोगों को बताना मेरी शॉप का ना, वो भी यहाँ पे आई चीज़ें लेने। मैंने कहा अच्छा सही है। ਲੰਬਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦਿਖਾ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਬਾਜ਼ੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦਾ ਆ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰਦੇ कर दो बहुत उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।